हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। भाई लोग, आज का वीडियो ना थोड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज अब रात से ही ना अपने वापी में बहुत ही बारिश हो रही है और अपने सोसाइटी के बाहर ना बहुत पानी जमा हो गया है। तो भाई आज अपने देखते हैं कि अपनी अपाची RR वहाँ से निकल पाती है कि नहीं। अच्छा खासा पानी जमा हुआ है और बहुत गाड़ियाँ स्कूटी बंद भी हो गई है, तो अपनी RR निकल पाती है कि नहीं वो देखना है। अपना ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, साइलेंसर भी ऊपर है, तो कम चांसेस है कि गाड़ी बंद हो। चलो अभी देखते हैं कि कैसे निकलते हैं अपने वहाँ से। एक बार रुक के ना उससे पहले अपने वो देख भी लेंगे कि कितना पानी भरा है। चल भाई, आज साथ दे दे। बंद हुई तो भाई पोकड़ का कबाड़ा हो जाएगा। मैं देख लो, अच्छा खासा पानी जमा है। गाड़ी एक बार खड़ी करते हैं और देख के पाते हैं कितना पानी है। देख रहा हूँ गाड़ी निकलेगी कि नहीं। देख लो भाई, अपन ये साइड से नहीं जाएंगे, अपन ये साइड से निकल जाएंगे। तो भाई अच्छा खासा पानी जमा हो गया है। चलो देखते हैं अपन निकल पाते हैं कि नहीं, है ना। एक हाथ फोटो ले लेते थंबनेल के लिए। चलो निकलते। चलो भाई तो फिर निकलते। आराम आराम से जाते हैं भाई, किसी को तकलीफ ना हो। भाई दबा के पानी है भाई। भाई निकल गई अपनी RR, गाइस निकल गई अपनी RR आराम से। भाई अभी भी गड्ढे हो सकते सतीश। भाई फाइनली अपनी RR निकल गई। ये साइड तो फिर भी कम था, वो साइड जाते तो वो साइड का मज़ा रहता भाई। निकल पाते कि नहीं पता नहीं, नेक्स्ट टाइम भरेगा तो वो साइड से जाएंगे, है ना भाई। मज़ा आ गया, चलो मॉर्निंग में ही एडवेंचरस हो गया थोड़ा। चलो तो अब चलते हैं ऑफिस। मस्त वॉशिंग भी हो गया भाई गाड़ी। भाई ऐसे टाइम पे अगर पानी वानी भरा होना तो निकालने की टेक्निक भी है आपको ना, मेंटेन करके चलना है। गाड़ी फर्स्ट गियर पे ही रखो, एक्सलेटर को कांस्टेंट रखो, एक टाइप मतलब एक RPM पे मेंटेन रखो उतना, ना कम ना ज़्यादा करना। कम तो करना ही मत, थोड़ा इंक्रीज़ करना हो तो कर देना, और बस हैंडल स्ट्रेट टाइट पकड़ो और चलते रहो। गाइस लिटरली निकल जाओगे, अगर साइलेंसर डूब भी गया ना तब भी बस इंजन को इतना टाइम नहीं देना है ताकि साइलेंसर बंद हो और वहाँ से पानी अंदर घुस जाए। कंटिन्यूस चालू रखने देना है साइलेंसर से हवा निकलना, धुआं निकलना। बस हो गया आपका काम, निकल जाओगे। चलो चलो भाई, आज तो बारिश मस्त हुई है, अभी बंद है हाल फिलहाल में। ये रोड, ये साइड पानी, एक आगे पानी भरता है, देखते हैं वहाँ पे पानी भरा है कि नहीं। बाकी तो सब सही लग रहा है यहाँ पे तो। आई थिंक यहाँ पे साफ़ सफाई ऑलरेडी बारिश के पहले ही हो गई थी ड्रेनेज सिस्टम की, तो यहाँ पे चल रहा है प्रॉपरली, वो इशू नहीं हो रहा है, पानी निकल रहा है।
भाई बारिश तो यहाँ छोड़ो यार, उत्तराखंड का हाल देखो भाई, वहाँ तो हालत खराब है। चलो भाई चलो चलो, जय अंबे माता। NS 200 भाई, अलग ही मजे है उसके भी, गाड़ी मस्त है ऐसा। भाई गाड़ी हैवी हो, साथ में ब्रेक हैवी होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसका ब्रेक स्टार्टिंग में थोड़ा बरोबर लग नहीं रहा था, फिर इसके क्या बोलते हैं ब्रेक पैड्स चेंज करवाए, फिर वो इसका पावर देखने को मिला। आगे पीछे दोनों ABS है गाइस, भाई मस्त है ब्रेक में। अगर आप नॉर्मल चलाओ और नॉर्मल डिक्स भी चलाओ और ABS वाले डिक्स, वो भी आगे पीछे दोनों हो, भाई आपको पावर फील होगा। जहाँ चाहोगे गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। चलो चलो टाटा, अपनी स्प्लेंडर, अच्छा पंचर है। मैं बोलो भाई स्प्लेंडर बंद होना बहुत मुश्किल केसेस हो सकते हैं।